हाँ तो दोस्तों, ये हमारा पासपोर्ट आ गया है। इसको हम ओपन करके दिखाते हैं आपको। हेलो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं हमारा पासपोर्ट बनाने के लिए। पासपोर्ट ऑफिस से हमें अपॉइंटमेंट मिला है 4:30 बजे के लिए और अभी 4:18 हो रहा है। हम पहुंच ही गए बस पासपोर्ट ऑफिस में। वहाँ जाके देखते हैं हमसे क्या मांगते हैं, क्या डॉक्यूमेंट मांगते हैं, क्या वेरिफिकेशन के लिए क्या अपडेट होता है वो बताएंगे। आप लोग हमारे व्लॉग में बने रहिए। यह है श्याम प्लाजा, तो पंडरी बस स्टैंड जो पहले होता था उसके जस्ट सामने में है। और यहाँ अंदर हमको सेकंड फ्लोर में जाना है पासपोर्ट ऑफिस के लिए। पासपोर्ट ऑफिस आज हम आए हैं टिकरापारा थाने अपने पासपोर्ट को का वेरिफिकेशन करवाने के लिए। तो देखते हैं वहाँ पर हमसे क्या पूछा जाता है, क्या करा जाता है, तो उसकी डिटेल हम आपको बाद में बताएंगे आके, क्योंकि वहाँ तो वीडियो बनाने मिलेगा नहीं। आप हमारे व्लॉग में कंटिन्यू बने रहे। दोस्तों, हम पुलिस वेरिफिकेशन के लिए गए थे और वहाँ हमसे पासपोर्ट के लिए सिर्फ जो डॉक्यूमेंट हमने वहाँ पासपोर्ट ऑफिस में ओरिजिनल दी थी, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड और मैंने अपनी 10वीं की मार्कशीट दी थी, तो वो मुझे थाने में दिखाने बोले। और एक्स्ट्रा जो डॉक्यूमेंट थे वो अपना बिजली बिल और परिचय पत्र, दो चीज़ और दिखाने बोले। और बस फिर वेरिफिकेशन हमारा कंप्लीट हो गया। तो आप भी पासपोर्ट बनाने जाए तो घबराएं नहीं। कोई बहुत ज़्यादा जानकारी ना पासपोर्ट ऑफिस में मांगते हैं ना ही पुलिस वेरिफिकेशन में मांगते हैं। बस आपसे आपके पास जो आधार कार्ड और पैन कार्ड का जो नाम है वो सही होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए, बस आपका सिंपल पासपोर्ट बन जाएगा। पासपोर्ट बनाने के लिए आजकल जो पहले के कानून थे बहुत सख्त कानून थे, अब जो एकदम ईजी हो गया है, अब पासपोर्ट बनाना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं रहा। आप आज पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन अप्लाई करिए, आपको कल आपका नंबर आ जाएगा और आप वहाँ जाइए डॉक्यूमेंट लेके और सारी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन कराइए और तुरंत तुरंत फिर एक हफ्ते के अंदर पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आ जाता है। एक हफ्ते के अंदर फिर उसके बाद आपका पासपोर्ट आपके घर पहुँच जाता है। तो आजकल पासपोर्ट बनाना ज़्यादा कठिन नहीं रहा, बहुत ही ईजी है। हाँ तो दोस्तों, ये हमारा पासपोर्ट आ गया है। इसको हम ओपन करके दिखाते हैं आपको। ये हमारा पासपोर्ट आ गया है हमारे पास। तो आपको भी पासपोर्ट बनाने की सारी जानकारी मैं अपने वीडियो के ज़रिए बता दूंगा। आप भी अपना पासपोर्ट और अपना एप्लीकेशन पासपोर्ट का खुद से अप्लाई करिए और अपना पासपोर्ट बनाइए, वो भी जो मिनिमम फ़ीस है, जो सरकार की फ़ीस है वही फ़ीस आपको लगेंगी। उसके बाद आपको 1 रुपये भी कुछ कहीं चार्ज नहीं लगेगा। और अगर आपको पासपोर्ट का एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना या ऑनलाइन भरना नहीं आएगा खुद से, तो आप लोग मेरी वीडियो में कमेंट कर देना, तो मैं आप लोग के लिए
वो भी वीडियो बना दूंगा, जिससे आप लोग को और आसानी हो कि आप लोग खुद से अपना पासपोर्ट के लिए फॉर्म सबमिट कर सकें। और आप लोग को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।